तो मित्रों अहियानो व्यू જોઈને અને અહિયાની હવા એટલી ઠંડી છે કે સીડી ચડીને જે અમે થાકી ગયા હતા એ नमस्कार मित्रों, तो पावागढ़ दर्शन ना बीजा पाठ में आप सबनु स्वागत है। तो पहला पाठ में मित्रों अपने सीढ़ी चढ़वा थी लईने ज्यां सुधी उड़न खटोला उतारे छे त्यां सुधीनी यात्रा जोई। अने मित्रों तमे ए वीडियो ना जोयो होय तो डिस्क्रिप्शन में एनी लिंक तमने मळी जशे। मित्रों मंदिरना टाइमिंग नी वात करिए तो मंदिरनो द्वार सवारे 5 वागे सवारनी आरती साथे दर्शनार्थीओ माटे खुल्लू करवामां आवे छे अने आ मंदिर सांजे 7 वागे बंद थाय छे। ए पण 6:30 वागे सांजे पहला आरती थाय छे अने 7 वागे आ मंदिर बंद थई जाय छे। अने मंदिर में क्यारे पण रजा होती नथी एटले 365 दिवस मंदिर चालू होय छे। फक्त रातना टाइमे आ मंदिर बंद राखवामां आवे छे, एटलू मित्रों तमे ध्यान राखजो। तो उड़न खटोलाथी थोड़ा ज डिस्टन्स में दुधियो तळाव आवेलो छे। केटलाक लोको अहीं नाहीने के हाथ पग धोईने भगवानना दर्शन करवा जाय छे। तो अहीं दुधिया तळावनी बाजूमां ज एक जैन मंदिर छे, जे बहु पौराणिक मंदिर छे, जे सामे तमे मित्रों जोई शको छो। तो आ मंदिर नो मेन गेट आवी चुक्यो छे अने बधा दर्शनार्थीओ अहींया स्लीपर उतारीने भगवाननो प्रसाद लईने अहींयाथी ऊपर दर्शन करवा जाय छे। तो मित्रों अहींया स्लीपरना टोटल 2 स्टेन्ड छे, एक तो नीचे ज्यां अत्यारे अमे स्लीपर अने बूट अमारा उतार्या अने एक बीजू मंदिर पासे જ્યાં અગર તમે અહીંયા ઉતારવાનું ભૂલી જાઓ તો ત્યાં ઉપર પણ ઉતારી શકો છો। અને મંદિરમાં જ્યારે પણ દર્શન કરવા આવો ત્યારે ટૂંકા વસ્ત્રો હોવા જોઈએ નહીં એવું અહીંયા લખેલું છે। तो मित्रों हूँ तमने एक ज बातनो सजेशन करीश, ज्यारे पण तमे माताजीना दर्शन करवा आव तो ए टाइम वरसादनो टाइम होवो जोईए, कारण के वरसादमां अहींया हरियाली अने वेधर एकदम साफ जोवा मळे छे, साथे गरमी लागती नथी अने तड़को पण लागतो नथी। तो मित्रों आ छे पावागढ़ चढ़वानी छेल्ली सीधी चढ़ाण, आना पछी आपने क्यांय चढ़वू पड़से नहीं, तो फटाफट अहीं अपने ऊपर चढ़ी जाइए। तो अहीं मंदिरनी अंदर जता पहला शिवजी भगवानना दर्शन थाय छे, जे आ मूर्ति पहला नती अत्यारे आने नवू बनावामां आव्युं छे। बादल ही बादल ऊपर चढ़ते इधर।
કોઈ પાણી સમજ બંધ ગયા ના ના તો પાવાગઢમાં ઉપર આવ્યા પછી એકદમ ઠંડી ઠંડી હવા લાગે છે જેમ કે એસીની હવા આવતી હોય સેમ અહીંયા ઉપર એવી હવાનો આભાસ થાય છે વાદળ દેખાય દેખ નીચે દેખ દિખ રહે છે ભાઈદિખ રહે હે દિખ રહે હા હા મેઇન વ્યૂ તો અબ મેઇન વ્યૂ આયા ના ये वाला रस्तो बादल दिख रहे हैं यूट्यूब पर खास वायरल क्या लगेगा ये वीडियो डाल देंगे ना कसम से कतई जहर जाएंगे कतई जहर अहमदाबाद काम ही यही है તો મિત્રો અહીંયાનો વ્યૂ જોઈને અને અહીંયાની હવા એટલી ઠંડી છે કે સીડી ચડીને જે અમે થાકી ગયા હતા એ બધી થકાન અમારી દૂર થઈ ગઈ અને એવું લાગે કે અત્યારે અમે સ્વર્ગમાં આવી પહોંચ્યા છીએ તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે લાઈવ માતાજીના દર્શન કરીશું સાથે તમે લોકો પણ કરી લેજો અને કોમેન્ટમાં એક વાર જય મહાકાલી માં જરૂર લખી દેજો